लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही यमुनानगर पुलिस प्रशासन स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। चुनाव के समय फेक न्यूज को रोकने और अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पुलिस सख्त कदम उठा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। फेक न्यूज फैलाने वालों की खैर नहीं, अवैध शराब बेचने वालों पर चलेगा पुलिस का डंडा। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए बड़ी तैयारी। चुनाव में धन बल और बाहुबल का प्रयोग ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अवैध गतिविधियों की रोकथाम में जुट गई है। अवैध शराब बेचने वालों पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। खबर के रूप में विज्ञापन छापने वालों पर भी प्रशासन की नजर है। साथ ही जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, इसके साथ में भी हम कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। और जो शराब की बिक्री के बारे में भी एक डेली रिपोर्ट डीसी साहब को आएगी कि बिक्री कम हो रही है या बढ़ रही है, जो भी है। और जो अवैध खुर्दे हैं उन पे भी हमने कार्रवाई आज से ही शुरू कर दी है। तो किसी भी प्रकार का, चाहे धनबल का प्रयोग हो, बाहुबल का प्रयोग हो, या शराब की तस्करी हो, या सभी गतिविधियां, इस प्रकार की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, ये रोकना हमारी दायित्व है। फेक न्यूज फैलाने वालों से जिला प्रशासन पूरी सख्ती से निपटेगा। यदि विज्ञापन है तो विज्ञापन की शेप में ही वो होना चाहिए, और उसको बढ़ा चढ़ा के महिमा मंडन करना या वोटर्स को प्रभावित करने के लिए बताना कि इस बार फला आदमी या फला पार्टी की लहर चल रही है और ये सारे का सारे जीत लेंगे या उसने ऐसा कहा, वो समाचार के रूप में प्रकाशित नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने हर तरह की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए 48 टीमों का गठन किया है, जो 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। कोड के पालन पे, अवैध शराब, कोई कैश का, कोई बाहुबल का, कोई भी गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का, सत्ता का, बल का, धन का, शराब का, उसको चेक करने के लिए इस प्रकार की 12-12 टाइप की 48 टीमें हैं। इसके अलावा जो हेडक्वार्टर के हमारे रिजर्व्स वगैरह, जो हमारी अपनी टोलियां टीमें रहेंगी, वो अलग हैं। हरियाणा में छठे चरण 25 मई को सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसके लिए सियासी दलों के साथ साथ प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। यमुनानगर से परवेज खान, न्यूज 18, पंजाब, हरियाणा। खबर सोनीपत से है, जहां पिछले कई दिनों से अपराधी बेखौफ हैं। बढ़ती वारदातों पर नकेल कसने के लिए अब व्यापारियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। व्यापारियों ने यहां पर चोरी, अतिक्रमण और नशे का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया। सिटी ACP के साथ तीनों थानों के प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से लगातार यहां पर एक के बाद एक वारदातें हो रही थी। व्यापारियों में खासतौर पर डर का माहौल था, और इसी मुद्दे को लेकर आज व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच में ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जहां पर व्यापारियों की तरफ से महत्वपूर्ण जो मुद्दे उठाए हैं वो बढ़ती चोरी की वारदातें, अतिक्रमण और नशे का। उनको जल्द ही उनका सॉल्यूशन करने का आश्वासन दिया है, जिसमें खास तौर पर जो शहर में बढ़ती हुई चोरियां, अतिक्रमण, जो गाड़ियां अवैध रूप से खड़ी रहती हैं रोडों पे, उनके माध्यम से, या जो एक प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन की जो हमारी मुख्य शिकायत है कि शहर में जो टेंडर हुआ है वो मात्र 12 यूनिपोल का हुआ है, और जबकि जो ठेकेदार है वो पूरे शहर के यूनिपोल का अपने किराया मांगने लग गया है। तो इस तरह की हमारी कई समस्याएं, जो मुख्य समस्याएं हैं, उनके बारे में आज बहुत ही एक अच्छे वातावरण में जो है ना पुलिस से चर्चा हुई है। और जो व्यापारियों की आ रही हैं वो अब साइबर फ्रॉड से ज़्यादा आ रही हैं, तो तीनों थानों में हम साइबर डेस्क बनाने जा रहे हैं, और उनको साइबर थाने में ज़रूरत नहीं है, तुरंत अपने नज़दीक थाने के अंदर उसकी दरखास्त देंगे और उन पर कार्रवाई होगी। सेकेंड जो हमारा मुद्दा था CCTV कैमराज, तो हम उनकी इमदाद से CCTV कैमराज ज़्यादा संख्या बढ़ाएंगे, ताकि अगर कोई वारदात हो भी जाती है तो हम उनको जो है ना रोकने में और उनको पकड़ने में, अपराधियों को पकड़ने में सफल रहेंगे।